तो पहाड़ी सिखाऊंगी चल हमारे घर हिट हमारे घर जला पहाड़ी सीख ले हिट वहाँ बकार ले छन गोर ले छन भाई ग्वाल जला हिट जी रे या जागी रे या फूली जैसा खिली रे या क्या खा रहे हो सुबह सुबह गैस होगी फिर अगर लगेगी कहाँ जाएगा बबुआ तुम्हारा नाम क्या है अम्मा का प्यार देखो नाती के प्रति अगर इनको सच्चाई पता चले कि इनके हाथ क्या होगा सोचो जरा अम्मा आज ठीक है आपका पाँव कल से बहुत अंतर है कभी आओगे तो हमारे पहाड़ भी आना गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे मेरी तरह स्वस्थ और मस्त एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप खादी ब्लॉग्स में ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह में 8 बजे से क्या ही सुबह होते क्या ही शाम होते अंदाजा ही नहीं आ रहा है हॉस्पिटल के अंदर ऐसा लग रहा है पूरा जेल खाने में कैद कर दिया होगा तो अभी जस्ट थोड़ा बाहर आ रही हूँ मैं अम्मा के साथ चाचा है अंदर और तभी मैं थोड़ा सा घूमने आ गई बाहर को कोई भी नहीं दिख रहा अभी हॉस्पिटल में सब अपने अपने रूम में ही बंद हो रहे हैं और हल्की सी धूप आई है अंधेरा ही जैसा लग रहा है अंदर इतना मुश्किल काम होता है यार ये ऑपरेशन में ना उठ सकते हो ना बैठ सकते हो ना खा सकते हो ना सो सकते हो चैन से कितनी परेशानी होती है रात दिन ये भी एक जेल से कम नहीं है जेल की सजा काटनी अच्छी हुई ऑपरेशन तो ना अम्मा वही तो जेल अच्छा है यार इससे ना बाहर जा सकते हैं ना अंदर जा सकते हैं मैं क्या ही बताऊँ यार तो रात का नींद तो ना आए पता नहीं रात भर तो उठना रिशा हाँ तो मैं मुख ले उशारी आंख दिखी मशीन आंख ले उशारे तो ले रहे आंख ले पटके जो लग रहा अब वे वेल दर्द वेल हरी होल ना रात भर नींद ना आई ना तब अब एक दो दिन में चल थोड़ा हिटन में चला फिर है चल ठीक कहाँ से आए हो कहाँ से आए हो कहाँ से क्या भिशंडा क्या कहाँ है पीलीभीत में क्या हो रखा है मुंह में दाज अपना इलाज कराने आए हो अच्छा कौन सी क्लास में पढ़ते हो कौन सी क्लास में पढ़ते हो स्कूल जाते हो किधर जाते हो सरकारी स्कूल जाते हो कौन सी क्लास में पढ़ते हो एक कम में पढ़ते हो अच्छा किसके साथ आए हो इधर दादी साथ पहाड़ी आती है बिल्कुल नहीं आती है क्या लिखवावे नाम अभी लिखवाए है बाप रे इतने बड़े हो गए अभी नाम लिखवाया है अभी तो तुमने 4 में होना चाहिए क्या खा रहे हो सुबह सुबह गैस होगी फिर हगन लगेगी कहाँ जाएगा एल घर हूँ घाम ताप लूँ बड़ी खेत जलू के काम कर लूँ जो पिता आ गया ना गली उल्ला बैठन पड़न दी गली उल्ला बैठन पड़न दी एक गैली उठे भीतर जाओ गैली उठे बाहर आओ बस इतना काम से और तरह तरह लोग दिख ही जाए को आखना को खुदना उन्होंने देख बजे स्टार्ट कर दी इतने इतने तीर मैच है जाओ हे प्रभु जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए अम्मा और हम यहाँ से घर जाए यार बड़ी समस्या हो रही है हॉस्पिटल आज पहली बार है एडमिशन होने की लेकिन यार ऐसा रही नहीं होना कभी किसी के हाथ कल तो रात को नींद भी नहीं आई सुबह मुँह सूझ के इतना बड़ा हो रहा था मेरा जी रे या जागी रे या फूली जैसा खिली रे या है अम्मा जल्दी ठीक हो जाए मेरा माँ जल्दी ठीक है जल्दी टेंशन न लीजिए बिल्कुल न खुश करके रखना है बिल्कुल कवाल ऊपर गाना गाओ चलो अगर फिर तभी थोड़ा इस लगल ने अम्मा को टेंशन हो गई कान की भी खो जाएंगे करके नहीं तो इतनी अकल तो होगी उनके जेब में है वो सुरक्षित है और अम्मा की 2 चुड़िया बनाई है दोस्तों वो भी रिबन से 2 चुड़िया बना रखी है स्कूल जाते हैं ना हम लोग वैसी बना रखे हैं हाँ दर्द थोड़ा ठीक है ना अम्मा अब थर थर तो होली यार मैं थान पड़े ली मन की गोली गोली दर्द से है गोली को ठीक हो जाएगा बहुत अच्छा हो जाएगा हाँ आप बिल्ली तो बिल्कुल बैठ नहीं हम जाए उन्हीं का हम जाते थोड़ा बैठ नहीं तरीचा तो अम्मा जी थोड़ा सा अभी बैठ गई है दोस्तों अब इनके घुटने में दर्द हो ही रहा है अब दर्द तो होगा ही ऑपरेशन किया है तो मुझे छूने में भी डर लग रहा है यहाँ से थोड़ा सा ब्लड निकल रहा है और हाथ में भी लगी हुई है अभी ग्लूकोज चढ़ रहा है अम्मा को अम्मा कैसा चिता रहे हो हाँ वही दर्द हो रहा है दर्द हो रहा है मेरे हाथ ऐसे कांप रहे हैं ये
मतलब भीतर टेस्ट होगी कि जानी मैं से दर्द हो गया मां पता नहीं क्या हो मेरी मतलब इस काबू में ना भीतर भीतर मैं थोड़ा हल्का सा नाश्ता कर लेती हूँ यार। तो अब हम को करनी है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करके जल्दी ठीक होगा। और थोड़ा सा इनको हमने वॉक करा लिया है, तो कैसा चीत आ रहे हो अम्मा अब? अब ठीक है? डॉक्टर कैसे लगे आपको? डॉक्टर तो आके बहुत ही पसंद आए हैं। क्या लगा रही चिम? चिम काट दे तभी अम्मा बोल मैं डॉक्टर है चिम खा दी तभी डॉक्टर है चिम जगह से काट दिया यार भगवान चिम जगह काट दे मिली आमा के भाई लोग आए हैं मिलने, ये दोनों और ये इनकी बहू। कभी आओगे तो हमारे पहाड़ भी आना। क्यों नहीं बोला उधर पहाड़ बोला ओला आलाई क्यों नहीं बोला ओला बाबा ओला फोन कर लो फिर फोन करना मेरे नंबर ले जाए आप चिंता ना करो। अब मेरे रूम में चाहते रोल तमीन चाहते रोल ही मेरे रूम में। सदा बढ़िया अम्मा ने तो खा लिया है, अम्मा को अब दवाई देके सुला दिया है। अब मैं कुछ खा लेती हूँ। एक तो यहाँ ऐसा हो रहा है ना भूख भी नहीं लग रही है, कुछ भी चीज़ देख रही तो उल्टी जैसा हो जा रहा है, अजीब सा हो जा रहा है मन तो। अब मैं फ्रूट्स खा लेती हूँ, थोड़ा ग्रेप्स और सेब खा लेती हूँ, उससे पेट भरती हूँ। बाहर भी नहीं आ सकती हूँ मम्मा को छोड़ के अकेले कैंटीन में, उसी से गुजारा करना पड़ेगा। मुझे भूख लग रही है, मैं इसलिए नहीं खा रही हूँ। मैं बीमार हूँ करके सोच रही हूँ, इसीलिए मैं खा रही हूँ। क्योंकि पेशेंट के साथ ना खुद भी इतनी प्रॉब्लम हो जा रही है, क्या बताऊँ। कभी कुछ लाना है, कभी कुछ लाना है, और भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही है। कहीं मम्मा को डिस्चार्ज करके मैं बीमार ना हो जाऊँ, इसलिए मुझे खाना पड़ रहा है थोड़ा थोड़ा, वरना तो बदबू से ही ऐसा हो जा रहा है, क्या बताऊँ। मस्त रेस्ट करती हूँ मैं भी थोड़ी देर, नींद आती है तो लगड़ी हुआ मस्त खिलाया बदन हमारे पढ़ाया बदन बाहर आ गई मैं थोड़ी देर बाहर का नज़ारा देखते हैं खिड़कियों से। हाँ बाकी तो क्या ही देखा यार, कुछ देख रहा है नहीं, चारों तरफ बिल्डिंग बिल्डिंग है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। बाहर निकल भी सकती हूँ क्योंकि ज़रूरत पड़ सकती है ना, आपको देखने के लिए डॉक्टर हर 10-15 मिनट में आ जा रहा है। तो अंदर ही अंदर मैं भी थोड़ा अजीब हो जा रही हूँ, आपको देख के डर सा लग रहा है। तो थोड़ी देर बाहर टहलने आ जा रही हूँ जब मौका मिल रहा है। अभी हम सोई है तब आई हूँ बाहर। फिर से करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 छोड़ो, अपने नन्ने नन्ने कदम आगे बढ़ाओ। सही करो, अपने नन्ने नन्ने कदम बढ़ाइए, गुड। मम्मा को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, आराम मिलेगा थोड़ा अगर चलोगे तो। आ जाओ, बड़ा घूम दिया माँ। अब मुखला आएगा ना, तुम्हारा दिगार डाल दी। अब यही रूल बल, जब तक तुम डिस्चार्ज नहीं होता फंस गयो, फिर खजूर वजूर बनून बनून फिर। नाती आया था इनका, गले मिल के गया, रो रही है। जो जो आया ना अभी वो मेरा नाती है। पहाड़ में तो ये आप घास काटेंगी, गोबर निकालेंगी, गाय को दूध निकालेंगी। अम्मा को लग रहा है इसमें हलवा है, हलवा नहीं है उसमें, इंजेक्शन आपको लगाएंगे अभी। अम्मा आज ठीक है आपका पाँव? कल से बहुत अंतर है। तो दोस्तों अम्मा को खाना पीना खिला के मैं आई हूँ अभी थोड़ा सा बाहर। अब बाहर अंदर ही हो रहा है बार बार, तो लीडर खैर पट्टी वट्टी चेंज करके थोड़ा उनको वॉक करवाया और थोड़ा चल ही रही है फिर अब। और टांके इतने भयंकर लगे हैं ना, कम से कम 25-26 टांके लगेंगे, देख के ही डर लग रहा है। मतलब अंगा कड़क को जम रहे हैं, जब दर्द होंगी जिसमें वो पट्टी उतरने आ रहे तो मुझे डर लग जा रहा है कि क्या ही जो होगा इनके साथ। मतलब उनको इतना दर्द हो रहा है जितना मुझे हो रहा है अंदर से, यार देखने में तो अजीब होता ही है ना। तो अब थोड़ी देर वो रेस्ट करेंगी फिर और जाऊँगी अंदर, क्योंकि डॉक्टर ना बार बार हर 5 मिनट में आ जा रहे हैं चेकिंग के लिए कि ऐसा ही हो रहा है। और अम्मा ने तो एक को भाई समझ के उसको गले लगा के रोने भी लग गई यार, मतलब तो इतना अजीब हो गया ना, इतना इमोशनल जैसी हो गई बेचारी। उसने सोचा भाई आ गए दिल्ली से और गले लगा के बिल्कुल रोने धोने में है, कब आए क्या आए। और वो भी उन्होंने भी नहीं बताया, मैंने भी नहीं बताया कि मैं वही हूँ, क्योंकि थोड़ी देर के लिए ही सही खुशी तो मिली ना अम्मा को, तो अच्छा लगा बहुत ज़्यादा। तो वो भी बहुत अच्छे हैं, मतलब जितना भी लगा मुझे यहाँ अगल बगल के लोग अच्छे ही हैं, सपोर्ट कर ही रहे, तो अच्छा लगा। जाती हूँ थोड़ी देर में,
धूप भी चली गई है अब तो, अंदर तो पता भी नहीं चल रहा है धूप आई है बारिश आई है अंधेरा हो रहा है दिन हो रहा है क्योंकि लाइट ही लाइट चली है बार बार इधर। आमा को गाना सुना के थोड़ा पहेलियाँ सुना के थोड़ा घर की बातें करके उनको थोड़ा सा वो कर रही हूँ, मैं भुलाने की कोशिश कर रही हूँ कभी उनको दर्द ना हो। तभी बोलते रहना पड़ रहा अम्मा के साथ, कभी गाने सुना दिए कभी उनके साथ कुछ बोल ही दिया, तो अच्छे से बोलना जरूरी है ना क्योंकि फिर बीमार हैं तो चिड़चिड़ापन भी नहीं करना है। और मेरी शक्ल में 12 बज गए हैं, अब भूख तो नहीं लग रही है, इतना अजीब हो रहा है क्योंकि हर तरफ पेशेंट दिखाई दे रहा है, हर तरफ किसी की आँख में, किसी के हाथ में, किसी के पाँव में, किसी का कुछ किसी का कुछ, तो उनको देख के अजीब सा हो जा रहा है, तो अंदर जाने का मन ही नहीं कर रहा है बिल्कुल। नहीं गए अभी, आएंगे कह रही हूँ। एक अम्मा को ना सूट चढ़ गया है, भाई आए हैं, भाई आए हैं। अगर वो भूपेश नहीं होंगे तब क्या करोगे आप? आपने उन्हें पहचाना कौन थे वो? आप तो गले मिल के रोने लग गए उनको देख के। वही रूम में जाए, वही पर जन्म खा दे अल्लाह उल बल। माँ मुझे घर जाना है, मुझे पनीर खाना है। कहो एक बार जा, तो भी पनीर खाने का मन कर रहा है यार। देखो ले आऊँ आपके लिए पनीर बाजार से, पर आपको डॉक्टर ने मना किया वरना मैं ले आती। आप गले मिल लो एक बार अच्छे से। मेरा नाती है छोटा वाला। बड़ा वाला क्यों नहीं आया, पूछो इनसे एक बार। बड़े वाले की बहू तो आई है फिर ये। देखा फिर मैं कुछ नहीं ला जाओ वापस हाल चाने उबर गए। अगर इनको आगे कुछ पता चले मैं तो वही सोच रही हूँ, अगर इनको सच्चाई पता चले कि इनके हाथ क्या होगा, सोचो जरा। अभी इनको सच्चाई का पता नहीं है, लेकिन जब तक पता नहीं चलता तब तक खुश रखना है, वही तो तब तक खुश रखना है बिल्कुल, बताना ही नहीं है क्या हो रहा है। सब्जी में जेब पानी नहीं पुने फिर मैं दाल भी नहीं क्या दाल पर दिन मुझे माल तो दिन भरी है निकल चुकी फिर जल दिल्ली और खजूर का बात कर ना तो खजूर कर दो मैं पेट में कोई तो हो मुझे जान का है अब चाने दिया मैं घर जाके दिखाऊंगी अम्मा को। अभी तक नहीं खोले हैं, नाती को दिखाऊंगी करके। उस टाइम बोले थे भूल गई मैं दिखाना, अब आएगा फिर दिखाऊंगी भाई। अम्मा का प्यार देखो नाती के प्रति, लेकिन जब सच्चाई पता चलेगी फिर क्या होगा। बस लगी तमीन सरप्राइज दिया है भैया ने आपको, कैसा लगा? अब दर्द क्या दिखा रहे थे? हेलो करो, हेलो क्या दे तुम्हारा फोन कहाँ से? हमारे पास नहीं है तुम्हारा फोन, तुम्हारा फोन तुम्हारी मम्मी के पास है। तुम्हारा नाम क्या है बबुआ? तुम्हारा नाम क्या है? है अंश, क्या इसका नाम? अयांश। कुछ दर्द भी होगा, पिट्टी भी करूंगी मैं। हाँ जे दबा दो, क्या दबा दो वो क्या? तो हमें खाना मिल चुका है दोस्तों, घर की रोटी और यहाँ की रोटी में कितना अंतर है देखिए। ये अम्मा मुझे जबरदस्ती कर रही है खाने के लिए यार,
मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा खाने का, देख के ही अजीब हो रहा है मुझे। सिंडालू एंड बेबू ना खानू की खाए वाले खाना है। एक दिन का होता तो रह जाता ना, अब कितने दिन भी रुक सकते हैं, तो खाना पड़ रहा है जबरदस्ती यार। मैं नहीं खा सकती अम्मा, मैं खाया बहुत। टॉफी खानी है ना हमारे रूम पे, आगे टॉफी दूंगी ना। फिर पहाड़ी तो जानता ही नहीं है तू, तेरे को पहाड़ी सिखाऊंगी। चल हमारे घर हिट, हमारे घर जला पहाड़ी सीख ले हिट। वहाँ बकार ले छन गोर ले छन भाई, ग्वाल जला हिट। तेरे ग्वाल जो सिखून में आएगा, नहीं आएगा हमारे घर, घूमी घूमी नहीं आएगा हमारे घर। बस भगवान जी से एक ही दुआ है, जल्दी से आवा ठीक हो जाए और हम यहाँ से घर की ओर प्रस्थान करें। छोटे मुंह के यहाँ रहेंगे तब भी अच्छा होगा, लेकिन यहाँ ना यार अजीब सही हो रहा है यार। चारों तरफ पेशेंट है और उनको देख के ही अजीब हो जा रहा है। तो अभी मैं सीढ़ियों पे बैठने आई हूँ, अंदर भी पता नहीं क्या ही हो रहा है। फोन भी कितना चलाएगा इंसान, और आमा के साथ भी कितना बात करेगा। आमा को भी सुला दिया है खाना पीना खिला के, तो मैं थोड़ी देर यहाँ बैठती हूँ, कोई मिलता है तो बातें करती हूँ, फिर मिलते हैं।